Hello everyone. In the last video, we have studied about the meristematic tissue, and today we are taking the permanent tissue. As I told you in the last video, the second type of the plant tissue is permanent tissue. Okay, beta? Permanent tissue. ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? मैंने रब नहीं किया था जिससे कि आपको समझने में इजी रहे, हम उसका नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं. अब इसको मैं रब करती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. परमानेंट टिश्यू. सो परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सो टुडे वी आर टेकिंग द सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट? सिंपल इन विच द सेल्स आर हैविंग द सेम शेप साइज एंड दे टुगेदर परफॉर्म द सेम फंक्शन. दे मे बी लिविंग और नॉन लिविंग. ओके बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज पैरेन्काइमा. ओके, इन द लास्ट वीडियो इन द टेबल यू कैन सी हाउ आई डिवाइडेड द पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द पैरेन्काइमा. सी चिल्ड्रन, व्हेनेवर वी कट द टीएस सेक्शन ऑफ रूट शूट और लीव्स, टी एस ट्रांसवर्स, ये स्टेम है, ये मेरा हाथ है, जस्ट सपोज ये स्टेम है, टी एस ट्रांसवर्स सेक्शन, एल एस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, या इसको ही देख लीजिए आप. अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे बिल्कुल बारीक, मैं आपको लैब में बताऊंगी, तो वो टी एस है. अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, एल एस. जब हम टी एस कट करते हैं तो हमें दिखाई देता है द अपर मोस्ट लेयर in the stem, in the leaves, in the roots, the uppermost layer is made up of parenchymatous tissue. Okay, this layer is made up of parenchyma tissue. This layer is known as, you can see in your NCERT book, the TS section of stem. Okay, epidermis, the layer is known as epidermis, but the cells are known as, or the tissue are known as parenchyma. पेरेन्काइमा सेल्स आर ओवल, राइट? ओवल हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, और रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं. ऐसे करके रेक्टेंगुलर हो सकती हैं बेटा. आपने अनियन पील छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, मैं दोबारा से आपको प्रैक्टिकल में कराऊंगी, उसमें आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देती है रेक्टेंगुलर सेल. दीज आर नोन एज पेरेन्काइमेटस सेल्स. ओके, एंड ईच सेल इज हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियस, राइट? हर का एक न्यूक्लियस है. सेल वॉल इज वेरी थिन एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिन सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट. बीच बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा? इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है. दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल सेल ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, ठीक है? तो अगर हम पेरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, इफ दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस and if the chloroplast is present in the epidermis or the parenchyma tissue contain the chloroplast, that time the parenchyma is known as chlorenchyma. Chlorenchyma. Chloroplast है तो chlorenchyma बन गई, और chlorenchyma बनी है तो photosynthesis करेगी, ठीक है? Photosynthesis करेगी, ठीक है? And form the food. फूड बना के वहां पे स्टोरेज करेंगी. देयरफॉर द पेरेन्काइमा इज नोन एज द स्टोरेज टिश्यू. व्हिच टिश्यू इज नोन एज स्टोरेज टिश्यू? पेरेन्काइमा, राइट? सी चिल्ड्रन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉटरी प्लांट्स और द एक्वेटिक प्लांट, द प्लांट्स ऑलवेज फ्लोट, सम प्लांट्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर. सो हाउ इट इज पॉसिबल? इन द एक्वेटिक प्लांट द पेरेन्काइमेटस सेल्स कंटेन द air spaces in between the cells, and that sort of parenchyma is known as arenchyma. जब उसमें air spaces है, और किसके अंदर है? ये aquatic plant में है. तो वो क्या करते हैं? उसको float करने पे help करते हैं, उसको buoyancy provide करते हैं. Buoyancy means the property to float on the surface of water. Clear? तो ये हुआ हमारा parenchyma का दूसरा function, ठीक है? वो क्या करती हैं? फ्लोट कराने में हेल्प करती हैं. तीसरा फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फूड.
फोटोसिंथेसिस होती है ना, स्टोरेज भी करेंगी और फॉर्मेशन भी करेंगी फूड का। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, जहां पर भी अंदर अगर हम टिश्यू की बात करें खाली स्पेस है तो ये वहां पे जगह फिल करने का काम कौन करता है, पैरेन्काइमा। देयरफॉर इट इज नोन एज द स्टोरेज टिश्यू आल्सो, सॉरी नॉट स्टोरेज, पैकिंग टिश्यू, स्टोरेज तो हो गया, पैक करने का काम कर रही है खाली जगह को, देयरफॉर इट इज नोन एज पैकिंग टिश्यू। क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेन्काइमा। सेकेंड वन इज कोलेन्काइमा। सेल्स आर ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, कैसी भी हो सकती हैं, बट एंड द सेल्स आर हैविंग न्यूक्लियस। पैरेन्काइमा के बिल्कुल नीचे, अपर मोस्ट लेयर के नीचे क्या होती है हमारी कोलेन्काइमा, एंड सेल वॉल इज वेरी थिक। अब देख रहे हैं मैंने थिक थिक सेल वॉल बना दी है ना बेटा। एंड ड्यू टू द थिक सेल वॉल द इंटर सेलुलर स्पेसिस इज एबसेंट। सेल वॉल थिक क्यों होती है, ड्यू टू द लार्ज डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, ज्यादा अमाउंट में वहां पे सेल्यूलोज प्रेजेंट है, इसलिए सेल वॉल कैसी है हमारी, थिक है। ठीक है, तो थिक सेल वॉल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज। फंक्शन जो पैरेन्काइमा के, सेम फंक्शन हमारे पैरेन्काइमा के साथ ही कोलेन्काइमा के भी हैं। ये भी क्या करते हैं, हमारे पिथ में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट की एपिडर्मिस के नीचे ग्राउंड टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि ये भी क्लोरेन्काइमा की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड वन है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा को हम डेड टिश्यू बोलते हैं। पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा बोथ आर लिविंग टिश्यू, बट स्क्लेरेन्काइमा आर डेड टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ टू सेल्स, वन ऑफ द सेल इज फाइबर्स, ओके, एंड देन अदर वन इज स्क्लेरिड्स। ठीक, फाइबर्स बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे हेयर्स होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, टेपरिंग एंड्स और बीच में एक न्यूक्लियस, ऐसे करके प्रेजेंट होती हैं फाइबर्स की सेल स्क्लेरेन्काइमा की, एंड दीज आर डेड सेल्स। अगर हम स्क्लेरिड्स की बात कर रहे हैं, स्टोन सेल्स भी बोलते हैं स्क्लेरिड्स को, और वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती हैं स्टोन सेल, एंड सेल वॉल आर वेरी थिक। मैं आपको स्लाइड दिखा सकती हूँ, उसमें आप पूरा क्लियर डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। सेल वॉल आर थिक क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लार्ज डिपोजिशन है लिग्निन का। लिग्निन क्या है, जैसे सेल्यूलोज होता है ना हमारा स्टार्च, वैसे ही हमारा लिग्निन होता है, जो हमारी स्क्लेरेन्काइमा है उसकी सेल वॉल हमारी लिग्निन की बनी हुई है, और लिग्निन भी बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए ये टफ पार्ट बनाती है प्लांट का, बाहर का जो कवरिंग होती है ना सीड की, हार्ड वुड जो होती है हमारी, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा, डेड टिश्यू, हार्ड होता है हमारा। ठीक है, और जो हमारी ये कोकोनट की बाहर वाली कवरिंग होती है, आपने आमंड की बाहर की देखी कवरिंग, वॉलनट की देखी, या फ्रूट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके बेटा, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द परमानेंट टिश्यू एंड द प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओके।